हिंदुस्तान एक समृद्ध संस्कृति वाला देश है और ये बात आज कुल्लू में आकर सिद्ध हो गई है। इससे पहले अपने देश में उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा और सुना था। अब हिंदुस्तान आकर उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि कुर्दिस्तान और हिंदुस्तान की संस्कृति का आपस में काफी मेल झोल है और दोनों देशों की संस्कृति भी आपस में मिलती जुलती है। ये बात इराक के कुर्दिस्तान से आए सांस्कृतिक कलाकारों के द्वारा ढालपुर में कही गई। इराक के कुर्दिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करने के लिए कलाकारों का प्रतिनिधि मंडल ढालपुर पहुंचा। इस दौरान उन्होंने सीपीए सुंदर ठाकुर के साथ भी मुलाकात की और दोनों देशों की संस्कृति को लेकर भी चर्चा की। वहीं सीपीए सुंदर ठाकुर ने भी सभी कलाकारों का स्वागत करते हुए कहा कि कुल्लू का लोक नृत्य और कुर्दिस्तान का लोक नृत्य में काफी समानताएं हैं। ऐसे में पुराने दौर में दोनों देशों के बीच काफी अच्छे व्यापारिक संबंध भी रही हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में कुर्दिस्तान के अलावा अन्य कई देश के कलाकार भी यहां पर पहुंचे हैं, जो सांस्कृतिक संध्या में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। जिसे देख सांस्कृतिक संध्या में आए लोग भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जो प्रतिनिधि मंडल एक हमारे सांस्कृतिक दल के रूप में देवभूमि में आया है, मैं इनका स्वागत करता हूं। और ये वहाँ पे जो इराक में हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, उसी क्षेत्र से ये लोग हैं और जिस प्रकार से ये आए हैं, इन्होंने उत्साह दिखाया है और 7 दिनों के लिए हमारे बीच में है। श्री जाफर जी जो मिनिस्ट्री सांस्कृतिक जो मंत्रालय है उससे संबंध रखते हैं और इनकी पूरी टीम है, इनका पूरा एक जो आए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं कुल्लू देवभूमि में। और अभी इन्होंने मुझे बताया है कि ये चाहेंगे कि कुल्लू के कलाकार भी जिस प्रकार से ये हमारी देवभूमि में आए हैं, हिमालय में आए हैं, वैसे ही हम इनके देश में भी जाएं। तो ये हमेशा कोशिश करेंगे कि हमारे अपने यहाँ से भी सांस्कृतिक दल इनके साथ, जैसे हमारा जो है MOU ICCR के माध्यम से होता है, तो कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भी हम इनके देश में अपने लोगों को भेजना चाहेंगे। कुर्दिस्तान से आए कलाकारों का कहना है कि वहां पर बॉलीवुड की फिल्मों के प्रति आज भी लोगों में काफी दीवानगी है। कुर्दिस्तान में लोग आज भी बॉलीवुड हीरो धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान को काफी पसंद करते हैं और उनकी फिल्मों को बड़े शौक से देखते हैं। भारत सरकार के इंडियन काउंसिल एंड कल्चरल रिलेशन के द्वारा उन्हें अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव में बुलाया गया, जहां पर वह अब 29 अक्टूबर को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष कला केंद्र में अपने लोक नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। So basically we came to Himachal Pradesh, especially Kullu, to see this beauty and to visit and to be part of the festival, the Dussehra festival. We really enjoy being here. This is our first time for being here, especially for the whole team to be in India. So basically we saw the Kullu festival, that the culture itself is very similar to our dance and the same tradition things, even clothes. Somehow we are very similar. And for the place, like, we feel like at home because we see the mountains and we are close to the mountains, even back home in Kurdistan region. بیس روزه از هندی آماده بودیم. راستیش ما هند وسادیت یا فیلم داد کچکاتی هاتان هم مگلک حجی کریا کلتوری وان هر وسا حجی کرنا ما بو هندی او کو نزیکی کلتوری ما بخوا ما کرده ما عراقیه از گله کیف خوشم کلی را آماده بودیم. راستی هندستان گله کجوانا از هر وسا کلو گله کجوانا گروپ هنری ملی تیپ شهری هنری ملی نه اف تیپ شهر هنر ملی سر پر و بریا روشنبیری هنری دوگ و یا لبزارت روشنبیری هرم کردستانی امجی هرم کردستان عراقی هاتی نم زود پی خوشحال بوم که ایرو او بماوی 20 روژه که تیپ شهر هنر ملی چندین چالاکی هنری
جلوبرگین کردین رسن دابودانی تیمت کردستانی کو ما ایناینا ولات هندستانی و ما اف کلتور خوی کردستانی تکیلی کلتور جهان حموه کلیه. लाइफ टाइम्स टीवी के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट।